सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के 11 प्रो 5G फोन के फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक कैसे लगाएं। जैसे कि अगर आपके पास रियलमी का 11 प्रो 5G फोन है, आप लोग यूज कर रहे हो, फाइनली अगर आप लोग चाहते हो अपने फोन के सेटिंग के अंदर से रियलमी के 11 प्रो 5G फोन के सेटिंग के अंदर से फिंगरप्रिंट एनिमेशन एंड फेस लॉक एनिमेशन एंड फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस लॉक कैसे लगाना है, तो फाइनली इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताने वाला हूं कैसे आप लोग फिंगरप्रिंट एनिमेशन को अपने फोन में सेट कर सकते हो। यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन सेट करने के बाद आप लोग जैसे अपने फोन को अनलॉक करोगे, एक साउंड सुनाई देगा, उस साउंड को कैसे आपको लगाना है एंड इफेक्ट को कैसे यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताने वाला हूं एंड फिंगरप्रिंट लॉक लगाकर। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का 11 प्रो 5G फोन है, फाइनली फिंगरप्रिंट लॉक फेस लॉक कैसे लगाना है, इस वीडियो में आप लोग को चलकर बता देता हूं। तो यहां पर आपको सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने सेटिंग पर क्लिक किया है, उसके बाद आपके फोन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे होगा तो आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड मेरे पास देख सकते हो रियलमी का 11 प्रो फोन है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस फोन में मैं फिंगरप्रिंट लॉक लगाने वाला हूं। तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे, स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगाएंगे। तो यहां पर हमें क्लिक करना है एंड यहां से आप लोग पैटर्न लॉक एंड पिन वाला लॉक एंड अपने नाम का भी लॉक लगा सकते हो। तो मैं यहां पर पैटर्न लगाने वाला हूं। पैटर्न लगाने के लिए वेट करना आप लोग को सेकंड चलेगा, यहां पर सेकंड को वेट कर लेना है। जैसे आपका सेकंड खत्म होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहां पर पैटर्न को डाल लेना है। तो मैं यहां पर ये वाला पैटर्न डाल लेता हूं। उसके बाद दोबारा आपको वही पैटर्न को डालना है, उसके बाद आपका पैटर्न लॉक लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों इनेबल कर देना यहां पर एंड उसके बाद आपके पास फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा इनेबल करने का। तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट लगाकर दिखाता हूं, इस तरीके से आपको लगाना है, अटैच फिंगरप्रिंट पे करना है। यहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो मैं यहां पर लगा रहा हूं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो। इस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट को लगा लेना है रियलमी के 11 प्रो फोन में। तो मैं लगाकर आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से। और यहां पर आपका जब तक डन का ऑप्शन नहीं आता तब तक आप लोग को यहां पर लगाते रहना इस तरीके से। अब दोबारा आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो लगाने का। तो यहां पर आपको वेट कर लेना है और इस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन अटैच करके हटा लेना। डन का ऑप्शन आएगा, डन पे आपको क्लिक करना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पे क्लिक करना है। यहां से आप लोग ऐड फेस लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड फेस लॉक पे आपको क्लिक करना है एंड यहां से आप लोग फेस लॉक यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और यहां पर आपका फेस लॉक इस तरीके से काम कर देगा। तो फाइनली दोस्तों, आपका फेस लॉक लगने के बाद इस तरीके से डन पे क्लिक कर देना एंड आपका फेस लॉक भी लग जाएगा रियलमी के 11 प्रो 5G फोन के सेटिंग के अंदर से। अब दोस्तों, यहां पर आपको फेस लॉक तो लगा लिया, आपने फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा लिया, तो आपको यहां पर मिल जाता है ऐप लॉक, ताकि आप लोग किसी भी ऐप को लॉक करो तो फेस लॉक से भी अनलॉक हो जाए। तो इसे आपको ऑन करना है एंड पासवर्ड डालना है, आपको नया पासवर्ड बनाकर रखना है, तो नया पासवर्ड बना लेना। एंड यहां पर आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां पर आपको प्रिंट जो कि आपको प्राइवेट का ऑप्शन मिलता है, प्राइवेट का सेल्फ का, तो इस पे आपको क्लिक लेना, प्राइवेट सेल का भी आप लोग पासवर्ड लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको मिल जाते हैं कुछ स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड इसे आपको मत करना, जो कि इसे आपको ऑन ही नहीं करना, इसमें आपको ऑन नहीं करना, आप चाहो तो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाना, आपको फिंगर वाले ऑप्शन पे आना। फिंगर वाले पर आने के बाद आपको यहां पर लॉक करना, अनलॉक करना एंड यहां पर आपको मिल जाता है एक ऑप्शन, इसके अंदर ऐप लॉक का इनेबल है इसके अंदर फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन के अंदर। लेकिन आपको एक बार दूसरे अंगूठा से लगाना है फिंगरप्रिंट, जैसे कि आपने दोनों हाथों से फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो, तो आपको ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है एंड फिर से आप लोग यहां पर फिंगरप्रिंट इस वाले हाथ से भी लगा सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो, देख सकते हो। मैं लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहां पर देख सकते हो इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। अब यहां पर जो फिंगरप्रिंट इस तरीके से लगाकर हटा लेना है, कुछ लोग होते हैं कि रखे रहते हैं तभी फिंगरप्रिंट नहीं लगा पाते, लेकिन आपको लगाना है और हटाना है, इस तरीके से लगाना है और हटाना है, इस तरीके से आपको लगाना है और हटाना है, हटाना है और लगाना है, तो इस तरीके से आपका फिंगरप्रिंट लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं लगाकर आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से हम देख सकते हैं और यहां पर मेरा फिंगरप्रिंट लग गया। डन पे क्लिक करेंगे एंड फिंगरप्रिंट डबल अंगूठे से हमारा फिंगर लग चुका है एंड मैंने इस तरीके से फिंगरप्रिंट को लगा लिया है। एंड इसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको करके दिखाता हूं एनिमेशन कैसे ऐड करना है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको फिर से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है, उसके बाद दोस्तों फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड पासवर्ड को डाल लेना है।
यहाँ पर पासवर्ड को डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, इसे ऑन करना है एंड इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको साउंड कैसे ऐड करना है? साउंड ऐड करने के लिए आपको आ जाना है साउंड वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन, यहां पर क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और यहां पर आपको मिल जाता है हैप्टिक एंड ऑप्शन, यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड को ऑन कर लेना है। इस तरीके से ऑन करने के बाद आपका साउंड आ जाएगा आपके फिंगरप्रिंट एनिमेशन के ऊपर। तो अब मैं यहां पर लॉक करके दिखाता हूं फोन को, अभी यहां पर मैं अनलॉक करके दिखाता हूं आप लोगों को, देख सकते हो साउंड सुनाई दिया होगा, एक बार फिर से कर दिखाता हूं। तो इस तरीके से आप लोग का फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है, काफी फास्ट है एंड यहां पर आपको फेस लॉक से अनलॉक करके दिखाता हूं। तो यहां पर देख सकते हो काफी फास्ट है, एकदम अनलॉक हो चुका है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो काफी फास्ट है फेस लॉक। तो इस तरीके से आप लोग फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट लॉक रियलमी के 11 प्रो फोन में लगा सकते हो एंड कैसे लगाना है मैंने इस वीडियो में आप लोग को डिटेल के साथ बता दिया। तो फाइनली आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास Realme का 11 Pro फोन है तो फाइनली आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो एंड फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस लॉक को लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।